दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की, 2022 की। और अपन बात करेंगे ये इंडेक्स कब आया, अपन ये बात करेंगे कि इंडिया की कौन सी रैंक है, और अपन ये बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया है। बेसिकली वह रिपोर्ट तो 2022 में आई है, लोग इसको 2021 की रैंकिंग बोल रहे हैं, अपन इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के नाम से भी जानते हैं। आइए पूरी डिटेल आपको मैं बताता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, आखिर इसके पिलर्स क्या क्या हैं, आखिर इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने। इसके पहले अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, और जितना शेयर करेंगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं तो HDI है क्या। ध्यान रखिएगा इंडाइसेस है ये, थ्री डायमेंशन के अंदर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और HDI वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1990, और ध्यान रखिएगा 2012 के बाद में रिलीज्ड एनुअली सिंस देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ 2022। मतलब क्या है एक्सेप्शन ऑफ 2022, मतलब क्या है 2022-12 के अलावा क्या हो रहा है, ये हर साल रिलीज किया जा रहा है एनुअली। क्लियर हो गई बात, एक्सेप्शन क्या है 2012, ठीक है। HDI इज द क्रिटिसाइज्ड एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इनइक्वालिटीज एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, etc. मतलब क्या है, HDI को इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये इनइक्वालिटी जो है नहीं दिखाता है किसके किसके बीच में, समाज में क्या असमानता है, पावर्टी गरीबी कितनी है, ह्यूमन सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट दोनों के बारे में कम बताता है, ये सिर्फ ये बताता है कि हमारे यहाँ मानव विकास की क्या स्थिति है। आइए अगली बात करते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज रिलीज इन द ईयर 1990। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय द पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, और महबूब उल हक के साथ कौन था, ये नाम भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे इंडिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, पर महबूब उल हक का नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम सबसे पहले आता है। अगली बात अपन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इवॉल्व टू एम्फेसाइज दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटी शुड बी यूटिलाइज्ड क्राइटेरिया फॉर एक्सेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द नॉट जस्ट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि देश के विकास में और इकोनॉमिक ग्रोथ में दोनों में क्या हो जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैलकुलेट करें जो उसके विकास में भी योगदान दे और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी योगदान दे। क्लियर हो गई बात, विकास क्या होता है, पूरे हमारे मानव विकास की यहाँ पे बात हो रही है। अगली बात अपन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 21-22 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा इन HDI 2022 191 कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर HDI वैल्यू मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडाइसेस। ध्यान रखिएगा बेसिकली 3 इंडाइसेस हैं, उस एक इंडाइसेस के अंदर दो पार्ट है, मैं आगे आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। मैं बता दूं 191 कंट्री क्या की थी, इसमें पार्टिसिपेट की थी। क्लियर हो गई बात, अगली बात करते हैं इसी में, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 हैज बीन रिलीज्ड बाय UNDP इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है भैया, आपको ये ध्यान रखना है इसका मोटो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स शेपिंग अवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ये क्या है, मोटो है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का, आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस कोविड के बाद से हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी है समय की, भैया जो हमारी लाइफ है वो अनसेटल्ड है, और हम शेप में ला रहे हैं अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को दुनिया के इस बदलते स्वरूप में। अगली बात करते हैं व्हाट इज HDI, तो इसमें अपन बेसिकली 4 पैरामीटर्स देखते हैं, 3 पैरामीटर्स देखते हैं, चौथा पैरामीटर इंक्लूडेड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ पहला ये है, अगला है एवरेज एजुकेशन लेवल प्लस एडल्ट लिटरेसी रेट, ये दोनों एक ही हो गए। क्लियर हो गई बात, अगर कहीं पे 4 आएगा तो ध्यान रखिएगा एवरेज एजुकेशन लेवल और एडल्ट लिटरेसी रेट को एक मानते हैं, ठीक है, और अगर कहीं पे 3 है और कहीं पे अगर 4 है, मतलब देखिए बेसिकली HDI के पिलर्स 3 ही हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, एवरेज एजुकेशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
पर ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे फोर इंडाइसेस लिखे रहते हैं, वो क्या रहेंगे, एवरेज एजुकेशन लेवल प्लस एडल्ट लिटरेसी रेट, इन दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, क्लियर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर ध्यान रखिएगा पर कैपिटा इनकम को हम लेते हैं, ध्यान रखिएगा ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस में हम जो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं उसको, क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अब है जो मैं आपको अभी बता रहा था, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर द एवरेज अचीवमेंट ऑफ कंट्री इन थ्री बेसिस डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फर्स्ट वन, सेकंड वन एजुकेशन, थर्ड वन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इंडिकेटर्स। अब ये तीन इंडिकेटर्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे के चार इंडिकेटर्स के बेसिस में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पीपीपी जिसको हम बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्लियर हो गई बात। अब आइए अपन बात करते हैं रैंक ऑफ इंडिया की। क्लियर हो गई बात। इंडियाज रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। दिस शोज अ डिक्लाइन इन द स्कोर ओवर द टू कंसेक्यूटिव ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन थ्री डिकेड्स। 30 साल के अंदर अगर तीन डिकेड्स की बात करें, क्योंकि 1990 से हो रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लगातार तीन बार की रिपोर्ट में क्या हुए हों, नीचे आए हों। 2020 में हम 130वीं रैंक में थे और हमारा स्कोर क्या था, 0.642, और COVID-19 में जो है हमारा स्कोर था 0.645 2018 के अंदर। हम लगातार क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, और ये हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है। अगली बात करते हैं अपन। दिस ड्रॉप इन एसडीआई स्कोर इज consistent with the global trend which shows country have fallen backward in human development since the outbreak of COVID-19 pandemic. मतलब क्या है, COVID-19 के pandemic के बाद में हम लगातार global trend के हिसाब से क्या कर रहे हैं, backward हो रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं development में, ठीक है। The drop in HDI in India in 2021 can be attributed to falling life expectancy at birth which was declined from 77 years टू 67.2 ईयर्स। मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 70.7 ईयर्स थी, 70.7 थी हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, 67.2 ईयर के अंदर, ठीक है। मतलब तीन साल की इसमें कमी आई है, जिसने हमें एसडीआई के अंदर क्या कर दिया, नीचे लाके रख दिया। इंडियाज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग स्टैंड एट 11.9 ईयर्स एंड द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आर एट 6.7 ईयर्स। ये भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ जो स्कूलिंग का स्टैंड एक्सपेक्टेड कि लोग 11.9 ईयर तक क्या बोलते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और 6.7 ईयर्स के अंदर क्या करते हैं, स्कूलिंग को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। द जीएनआई पर कैपिटल लेवल इज डॉलर के हिसाब से 6519। द COVID-19 पेंडेमिक हैज ऑल्सो एक्सपर्टेड जेंडर इक्वलिटी विच इंक्रीज बाय 66.7 ग्लोबली। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, हमें ये बताता है ये कि जेंडर इक्वलिटी भी 6.7% से क्या हो गई है, ग्लोबली इंक्रीज हो गई है। क्लियर हो गई बात, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और आपको मैं ये बता देता हूँ, HADI के अंदर भारत की जो ये रैंक है 132 है, आपको पता हो, और हाल ही में रिलीज हुई थी ये रिपोर्ट, आपको मैंने सारा डेटा भी दे दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें एक मैसेज कर सकते हैं, कहाँ पे आपको नंबर दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप हमें अपने कमेंट से भी बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम या नया लेक्चर चाहिए तो। और हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर, ऐप डाउनलोड करिए, आपको एमपी की पूरी क्लासेस मिलेंगी, मेंस की क्लासेस पूरी मिलेंगी, हिंदी की पूरी क्लासेस मिलेंगी, करेंट अफेयर की पूरी क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।